हमारे को छः ड्यू है हमारे पास फाइनेंसर के, हमारी गाड़ी पे जो है हमारे को निकले तो जो है फाइनेंसर डाल लेता हमारे को। हम लोग लॉकडाउन में जो है दुनिया के परेशान है, साहब कने आए अमजदुल्ला साहब कने, उन्होंने बोले थोड़ा बहुत इमदाद करते फाइनेंसर से बात करते बोल के बोले हमारे को कुछ भी मदद हो गई तो अच्छा है बोल के। हम लोग बहुत परेशान है ओल्ड सिटी में, हम लोग गाड़ी निकली तो जो है कमाएंगे बोले, लॉकडाउन में जो है हमारे को कुछ भी नहीं है, फाइनेंसर जो है खा गए हमारे को समझे। फाइनेंसर जो है छः ड्यू है मेरे पास, अभी छः ड्यू है फाइनेंसर, अगर मैं निकला तो जो है डाल लेते फाइनेंसर साहब हमारी गाड़ी को ले लेके, ये है अब फाइनेंस नहीं ले लेके जा सकते हम लोग से। नहीं लिए साहब अभी गाड़ी, अगर निकाले तो जो है खींच लेते हमारे पास से गाड़ी, अब गाड़ी अगर मैं निकाला तो ले लेते गाड़ी, फिर अब हमारे को बनने के आज से कहाँ से लिखेंगे साहब। तो वही साहब कने आए हम लोग, हाँ साहब कने आए तो कुछ तो भी साहब बोले थोड़ा एक देते बोल के, थोड़ा इमदाद करते बोल के जो है बोले साहब, क्या है कि देखेंगे अब हुआ तो क्या होता है यहाँ पे बोल के बैठे, बहुत परेशान है खाने खाने को परेशान है हम लोग इस वक्त, कहाँ से कमाएंगे। सुबह में 10 बजे निकले तो जो है ये गाड़ी में कारोबार नहीं है, चेक जो है 400 रुपये कुत्ता जो बोलते किराए की गाड़ी अगर चलाए तो समझिए साहब, घर का किराया देना, घर का किराया है, बच्चे है समझिए साहब। ऑटो पकड़ लिया साहब, 1.5 महीना होगा लॉकडाउन में, बहुत परेशान है हम लोग। अब अमजदुल्ला खान साहब कने आए, अमजदुल्ला खान साहब इससे पहले फाइनेंस से ऑटो छुड़ा के दिए सो हम आपको, इसलिए हम लोग बहुत परेशान होकर आए हुए हैं। अभी गाड़ी नहीं है हमारे कहीं चलाने को, ऑटो नहीं है, चलाए तो खाएंगे पियेंगे, घर का किराया चढ़ेवा है फिलहाल वक्त, अब बहुत परेशान है हम लोग। सुबह डेली का कितना कमाते थे, क्या करते डेली का क्या कमाते, सब कारोबार ही नहीं है लॉकडाउन से, कारोबार वही तो कमाएंगे, घर का खर्चा देखे तक पढ़ाओं का जा रहा, पढ़ाओं का देखे तक निकल जा रहा, किराया जा रहा। फाइनेंसर क्या बोल रहे हैं, फाइनेंसर बोल रहे हैं 3-4 फाइनेंस बनो बोल रहे साहब, फाइनेंस बनो बोल रहे, तो इसलिए अमजदुल्ला खान साहब का नहीं आए हम लोग। फाइनेंस बताया आपका, फाइनेंस 7,000 इंटरेस्ट समझ ले रहा साहब, 7,300 रुपये ले रहा साहब ने, ऑटो छीनिए हुए ऑटो नहीं है मेरे कने, 1.5 महीना होगा साहब ऑटो जाके, हाँ ऑटो ले लिया, लेने गए आप, गया मैं तो नहीं, फाइनेंस बने तो नहीं देता हूँ क्या बोला। अमजद भाई क्या बोले, अमजदुल्ला खान साहब बोले करेंगे मदद आपकी बोल के बोले, इसलिए अमजदुल्ला खान साहब कने आए हम लोग पूरे ऑटो वाले मिल के। फाइनेंस पे है मेरा ऑटो, पूरे 28 महीने बन दिया मैं, 6 महीने से लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं बन सका, छोटे छोटे 3 बेटियाँ हैं मेरे, अम्मा है घर में, खाने को भी खाना नहीं है मेरे कने, कारोबार भी नहीं है मेरे, कुछ भी कारोबार नहीं कर सक रहा, ऑटो निकाले तो पकड़ लेते बोल के डर के ऑटो भी घर कने से रखा हुआ हूँ मैं, पूरे 28 बंदियाँ मैं और 6 बंदियाँ तो हो जाता है, जब ऊपर 28वां फाइनेंस है देखिए इसके ऊपर, और 6 बंदियाँ तो हो जाता भाई, मेहरबानी करिए आप लोग बस। अमजदुल्ला खान साहब से मैं अब तो मिलने आया था, ऐसे देखा मैं देख के फेसबुक पे देख के आया मैं, मदद कुछ होती बोल के। कितना है आपका फाइनेंस, मेरा 8,900 चिल्लर है, 72 है। गाड़ी आपके पास ही है, हाँ गाड़ी मेरे पास ही अब ले लेके आया मैं, साहब को बतलाएंगे बोल के, साहब की बड़ी मेहरबानी होती अगर मेरा फाइनेंस अगर क्लियर हो गया बोले तो, मैं बच्चों की अम्मा की दुआ लगेंगी। शकील है साहब, 4 महीने ड्यू है मेरा, पिछले लॉकडाउन के 2 थे, इस ये लॉकडाउन के 2 है, अब वो ऑटो निकाल नहीं सक रहे, फिर घर का भी खर्चा है, बाहर जो है कुछ हो रहा नहीं कारोबार, अब अगर ऑटो निकालेंगे तो लोग आके छीन लेते हैं, तो अब अमजद अल्लाह साहब से जो है कोई रिक्वेस्ट कर रहे, कुछ भी हमारी मदद करिए तो हम लोग को कुछ हो सकता, तो हम लोग परेशान है जब से लॉकडाउन है, पूरा जो है हर ऑटो वाले परेशान है सब, घर का किराया देना, घर का खर्चा करना कहाँ से होता सब, तो इसलिए इनसे मदद चाह रहे हैं कि कुछ भी मदद मिल गए तो हमारा कम से कम फाइनेंस तो हमारा वो करा दीजिए, माफ़ करा दीजिए। फिर क्या मदद आया था यूट्यूब पे देखे उनका, अमजदुल्ला खान साहब जो है लोगों का मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो हमारी भी हेल्प कुछ कर दिए तो कुछ फाइनेंस हमारा माफ़ होगा तो अच्छा है सर। मेरा 6,700 मंथली भरना है, अब घर का खर्चा भी है, कहाँ से करेंगे सर, तो कुछ हमारी मदद होगा, तकरीबन ऑटो वाले सब परेशान है सर, लॉकडाउन में तो कोई भी मदद नहीं करे, कोई भी किसी का मदद नहीं करे, तो आप कैसा करेंगे, हमारे घर को भी चलाना है, फिर फाइनेंस भी देना है, कारोबार भी नहीं है तो कैसा होगा सर, तो कुछ भी हेल्प करे तो ज़रा हम लोग की हेल्प हो जाती, ये हमारे बड़े भाई भी है काफ़ी लाइन से टाइम से कर रहे हैं, तो बोले आप जाके उनसे बात करके जो है कुछ भी करो बोल के, अभी मैं लिखा के लेके आया साहब, ये फाइनेंस वाले लिख के दिए, देख 4 महीने का देने का है, 4 महीने के भरो भरें, कहाँ से भरेंगे साहब,
अब इंटरेस्ट भी दे बोले तो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे इसके ऊपर, बोलिए आप। हाँ देखिए साहब, ये पहला लॉकडाउन आया और उसके बाद में सेकंड लॉकडाउन आया, सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर कोई है तो ये ऑटो ड्राइवर्स है। शहर हैदराबाद में तकरीबन 40,000 ऑटो ड्राइवर्स हैं। ये 40,000 ऑटो ड्राइवर्स में 30,000 ऑटोज जो है वो फाइनेंस पे है। तो पहले लॉकडाउन के 3 इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड लॉकडाउन के 3 इंस्टॉलमेंट, ये 6 इंस्टॉलमेंट बाकी है। और ये जो 6 इंस्टॉलमेंट है 5,000 से ले कर 10,000 के दरमियान में इंस्टॉलमेंट्स है। तो सबसे पहले तो मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जनाब महमूद अली साहब से मेरा मुतालबा है कि ये जो इल्लीगल सीजिंग चल रही पूरे शहर में, ये ऑटो फाइनेंसर्स जो है अपने प्राइवेट आर्मी पाल के रखे हुए हैं, ये ऑटो ड्राइवर्स को मार रहे, मार के इनसे ऑटोस खींच ले रही। ये ज़्यादातर जो है फलकनुमा एरिया में हो रहा, बारकस, चंद्रायन गुट्टा, बाबा नगर, रियासत नगर, ये पूरे एरियो में ऑटोस खींच ले रही। अगर कोई पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है तो, जबकि इनको इसका इख्तियार नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग कोर्ट को जाना, कोर्ट से सीजिंग ऑर्डर लाना, कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजना। तो ये जो प्राइवेट आर्मी चल रही पुराने शहर में, इसको कौन कंट्रोल करना? क्या पुलिस कंट्रोल करना या हम खुद रोड पे निकल के इसको कंट्रोल करना? ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है उस पर ये लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं। यानी अगर कोई 5 महीने एक इंस्टॉलमेंट है तो 5,000 रुपये के ऊपर जो है महाना 500 रुपये से 1,000 रुपये लगा रही। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 4 महीने का, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने का, ऐसा करके जो है यानी जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट पे भी इंटरेस्ट लगा रही। तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो रही। मैं तमाम फाइनेंसर से मेरी गुजारिश समझिए, रिक्वेस्ट समझिए कि ये जो 6 इंस्टॉलमेंट्स है, पेंडिंग जो 6 इंस्टॉलमेंट्स है, आप कैरिट फॉरवर्ड करिए। 42 मंथ्स के बजाय 48 मंथ्स में लीजिए आप। ये लोग देने रेडी है और जितने ऑटोस सीज करे हैं फौरी पूरे ऑटोस को रिलीज़ करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि शहर में कई तंजीमें हैं, हमारे ग्यास पाशा इरशादी साहब हैं, हमारे अबू एमएल साहब हैं और जनाब जाहिद अली खान साहब हैं, आपके जहीरुद्दीन अली खान साहब हैं और तामीर मिल्लत वाले हैं, जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब हैं। ये पूरों से मेरी गुजारिश है, ये जितने भी आज फाइनेंसरों में ऑटोस फंसे हुए हैं 95% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये आप आगे आइए। हमारे आरआर चैरिटेबल के हमीद भाई से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग आगे आइए। 5,000 से 10,000 है, हर कोई जो है 50-50 ऑटो वालों का अगर फाइनेंस बने तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की तकरीबन इकॉनमी सुधर जाती। वरना ये लोग सूदखोरों के जुल्म में, सूदखोरों का शिकार होके किसी को पैरालिसिस हो जा रहा, किसी की बच्ची शादी तय है वो शादी टूट जा रही, ये बहुत परेशान है ऑटो कम्युनिटी। और कोई इसके ऊपर बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोल रहे, कोई MLA नहीं, कोई MP नहीं। ये ऑटो वाले इलेक्शन में रैलियों में काम में आते, ये TRS, ये तेलंगाना एजिटेशन जब से चल रहा था, ये तेलंगाना एजिटेशन में ये TRS वाले जब LB नगर में KCR साहब धरना दिए, जब सकुना जनूला समय जब चला, फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑटो वाले लेके गए, पैसेंजरों को बिठा बिठा के लेके गए। मैं खुद कई ऑटो वालों से पैसेंजरों को या पब्लिक को भेजे, पोलिंग के दिन ये ऑटो वाले याद आते लीडरों को बोकसिंग कराने के लिए। आज ये लोग मजबूर है, सुसाइड करने पर है, तो कोई लीडर आगे नहीं आ रहा, कोई मंत्री आगे नहीं आ रहा, कोई आदमी आगे नहीं आ रहा, कोई तंजीम आगे नहीं आ रही। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ तमाम तंजीमों से, हमारे रियाज पाशा इरशादी साहब से और दीगर लोगों से कि ये लोग इनके इंस्टॉलमेंट्स बनो। अगर किसी के 5 है तो आप 2 बनिए, किसी के 6 है तो आप 3 बनिए। कितने होते बोलिए? 15,000 रुपये। जितने भी साहेब खैर लोग हैं, आप घरों के बाहर जब निकलते तो महल्ले में कौन ऑटो वाला है मालूम करिए, वो ऑटो वाले को जाइए, उसके खांधे पे हाथ रख के बाजूक ले जाकर पूछिए कि तेरा ऑटो कहाँ है, अगर तेरा ऑटो सीज है कितने पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है, चल मैं बनता हूँ तेरे इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट 5,000, 10,000 बने तो बेचारे की ज़िंदगी, हर ऑटो पे कम से कम 10 आदमी पलने वाले है, इसका घर पलने वाला है, मालिक के, अगर ऑटो का कोई दूसरा मालिक है उसका घर पलता, ड्राइवर का घर पलता,
तो इनकी ये तड़प थी, ये बेचैनी थी, मैं आपके सामने लाना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे से जो हो सकता हम कर रहे हैं। मैं अकेला एकदम 20,000 ऑटो वालों का इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकता। तमाम लोग आइए, अपने इख्तलाफात को दूर करिए, एक प्लेटफॉर्म पे आके इनकी मदद करिए, वरना याद रखिए लाइन लग जाएंगी सुसाइड की, मुर्दे दिलाते दिलाते हमारे को फुर्सत नहीं मिलेंगी, ये हालत हो जाएंगी। शुक्रिया। आपका किसका है?